हम लोग लोगों से बात करते हैं एंड वी ऑल नो कि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, बट हम लोग इतना सोचते नहीं है कि हम जब बात करते हैं उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर कितना पड़ता होगा, ये शायद ही हम में से कोई सोचता है। तो इसी आधार पर मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी एंड आई होप यू विल ऑल एन्जॉय इट। मेरी कविता का शीर्षक है अल्फाज। अल्फाज बड़े ही अजनबी होते हैं, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी होठों से निकलती शीतलता है तो कभी भयानक रूप लेता तूफान है। समझ नहीं आता मेरे यारा कि क्या इसकी फितरत है, कभी दिल में प्यार मोहब्बत भर दे तो अक्सर घृणा पैदा कर दें, कभी बन जाता है किसी मासूम के लिए सहारा तो अक्सर होता है बेबसी का खतरा। मुश्किल है पता लगाना मेरे यारा कि क्या इसकी असलियत है, कभी महकता है मुलायम फूलों की तरह तो कभी चुभता भी है रूखे कांटों की तरह, कभी दिया जैसे रोशनी फैला देता है तो अक्सर घने जंगल सा अंधेरा। कैसे समझ पाएंगे मेरे यारा आखिर क्या इसकी मकसद है, न जाने कितने दिन, न जाने कितने दिन बीत जाएंगे ऐसे इन अल्फाजों के आपसी मुकाबले और तकरारी में। इनमें इतना ताकत भरा है कि ये बनता है कभी देव तो कभी बनता है दानव, मगर ज़रा ठहरना मेरे यारा कुछ बात याद दिलाना चाहूँगी। इन लफ्ज़ों में इतनी भी ताकत नहीं है, अरे ज़रा गौर से तो देखिए, असली ताकत तो हमारी है, हम इंसानों की है। जी हाँ, हमारी मंशा ही है जो इसे शक्ति या कमज़ोरी बना देता है। अब फैसला तो करना होगा तुझे मेरे यारा कि इन्हें इस्तेमाल ही क्यों करना है। अगर तुम इनसे किसी के पंखों में जान डाल दो तो वो तुझे ज़िंदगी भर के लिए खुदा मानेगा, पर अगर तुम इनसे किसी को ज़मीन पर गिरा दो तो यकीनन खुदा भी तुझे शैतान ही मानेगा। धन्यवाद।